नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो ना केवल भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है बल्कि ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना से पहले विद्यार्थियों आपको पता है कि अंग्रेजों का जो शासन था वो 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम कर लिया था। कौन सा प्रभुत्व कायम कर लिया था? राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम कर लिया था। इससे पहले आप लोगों को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आई थी, एलिजाबेथ के आदेश पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका केवल एक ही उद्देश्य था, क्या? व्यापार करना। क्या था? भारत में व्यापार करना था। लेकिन धीरे 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 1757 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम करना प्रारंभ कर दिया। और 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, किसको? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद अगर हम बात करें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इस बक्सर के युद्ध ने क्या किया? पूरी तरीके से अंग्रेजों का प्रभुत्व दिल्ली, बंगाल और अवध, इन तीनों सेनाओं के सेनापतियों को एक साथ अंग्रेजों ने परास्त कर दिया और यहीं से अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व कायम हो गया विद्यार्थियों। तो 1764 और 1757 के 100 वर्षों बाद 1857 की क्रांति हुई जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई उस 1857 की क्रांति के पीछे हमारे भारतीयों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी तरीके से अंग्रेजों ने शोषण किया। इन 100 सालों के बाद भारतीयों का गुस्सा फूटा 1857 की क्रांति में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस 1857 की क्रांति के बाद हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने भी इस बात को भाप लिया था कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीय व्यवस्था को समझना आवश्यक है, भारतीयों के गुस्से को भापना जरूरी था। इसीलिए एक सेवानिवृत्त अधिकारी था, एओयू। कौन था? एओयू। इस एओयू के द्वारा एक संगठन बनाया 1884 में जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो पहली बैठक होनी थी वो होनी थी 28 से 30 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक होनी थी। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के गुस्से को भापने के लिए, भारतीयों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एओयू के द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक 28 से 30 दिसंबर 1885 को होनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो पहली बैठक हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर को हुई। कब हुई?
28 दिसंबर 1885 को हुई और इसी पहली बैठक में इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया विद्यार्थियों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई और इसको नाम देने वाले थे विद्यार्थियों दादा भाई नौरोजी। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि स्थापना करने वाला जो इसका संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है ए ओ यू को इसका जन्मदाता माना जाता है। और लेकिन पहली बैठक में इसने जो नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस बैठक में सदस्य संख्या इस पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए किसको, वो बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्या थे, न्यायाधीश थे। उस समय क्या थे, ये कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। क्या थे, न्यायाधीश थे। और इन्हीं को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया विद्यार्थियों। इसकी जो बैठक हुई विद्यार्थियों, ये कहाँ पर होनी थी, इसकी बैठक पूना में होनी थी। कहाँ होनी थी, पूना में होनी थी। लेकिन पूना में फ्लैग फेल जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई वो विद्यार्थी हुई बंबई के गोकुलदास पेज पाल संस्कृत कॉलेज में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी हमारे भारत में अनेक संगठनों की स्थापना हुई थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन कॉन्फ्रेंस, अनेक संगठनों की स्थापना, गोविंद रानाडे ने भी संगठन की स्थापना की थी, पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन की स्थापना की थी। तो कई ऐसे संगठन जो थे वो राष्ट्रीय स्तर पर बने, लेकिन जितनी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही वो उतनी भूमिका उन राष्ट्रीय संगठनों की नहीं रही थी। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ज्यादा फेमस है। तो आप ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक AOU में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। इसकी सदस्य संख्या 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सेदारी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, काशीराम, ये कई ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लिया था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ध्यान रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर थे। इसकी बैठक पूना में होनी थी। कहाँ होनी थी, पूना में होनी थी, लेकिन पूना में फ्लैग फेल जाने के कारण इसकी बैठक बंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुई थी विद्यार्थियों। ठीक है, अब बात आती है 1885 के बाद अधिवेशन होता है 1886 में, और 1886 में दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। हर साल बैठक होगी,
हर साल इसका अध्यक्ष बनेगा। तो 1886 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। विद्यार्थी 1887 में बद्रुद्दीन तैयबजी साहब को, किसको? बद्रुद्दीन तैयबजी साहब। 1887 का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था मद्रास में। कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और बद्रुद्दीन तैयबजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी कौन कहलाते हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाते हैं बद्रुद्दीन तैयबजी। उसके बाद 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें अध्यक्ष बनाया जाता है जॉर्ज जूले साहब को। और जॉर्ज जूले साहब कहां से संबंधित है? इलाहाबाद से संबंधित है। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले साहब थे। कौन थे? जॉर्ज यूले साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को माना जाता है। अब बात ये आती है कि आपके स्थापना हो गई किसकी? आपने देखा स्थापना हो गई किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण रहा, क्या उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे? तो इसके बारे में सबसे पहला जो मत दिया वो दिया विद्यार्थियों लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा कि उस समय हमारे भारत का तत्कालीन जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड डफरिन साहब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। ओके, तो आगे देखिए, लाला लाजपत राय ने कहा कि एवर यूम ने जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उसका काम था सेफ्टी वाल्व की भूमिका, सेफ्टी वाल्व। लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए एक रक्षा कवच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस्तेमाल करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई। क्योंकि आपके जो आपका ए और यूम ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे स्थापना करने का मेरा जो मेन रीजन है वो यही है कि भारतीय जनता से अंग्रेजों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, एक सेफ्टी वाल्व की भूमिका कैसे कौन अदा कर सकता है, इस रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ये कहते हैं कि सामाजिक संगठन के रूप में AOU इसकी स्थापना करना चाहता था, लेकिन जब यूम डफरिन से मिले तो डफरिन ने कहा कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सामाजिक संगठन नहीं एक राजनीतिक संगठन बनाया जाना चाहिए। ये कथन है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब का, क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब का यही कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कैसे की जानी चाहिए। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में इसकी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है गुरुमुख निहाल सिंह और एनी बेसेंट। गुरुमुख निहाल सिंह
और आपका आता है कौन, एनी बेसेंट, जिसका आगे नाम भी आएगा। एनी बेसेंट वही महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के रूप में जानी जाती है श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया। ये सब हम आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो एनी बेसेंट ने ये कहा कि ए और यू की भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति थी और इसी सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए ए और यू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ताकि भारतीय जनता सरकार तक अपनी आवाज को कैसे पहुंचा सकते थे, इसीलिए एक संगठन की आवश्यकता थी और इसीलिए ए और यू सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। विद्यार्थियों ये मानना है किसका, ये मानना है गुरु मुक्तिहाल सिंह और श्रीमती एनी बेसेंट का। तो आपने तीन मत देखे। लाला लाजपत राय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल के रूप में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं कि ए और यू तो सामाजिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना करना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने कहा कि इसको एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा गुरुमुख निहाल सिंह और एनी बेसेंट कहती है कि ए और यू की भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति थी और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए जिस संगठन की स्थापना हो सकती थी उसी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऐसे विद्यार्थियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे वाले जो टॉपिक है या आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से सम्मेलन इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन किन अधिवेशनों में कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बैठक, संस्थापक और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्यों को समझा है। आगे आने वाले वीडियोस में इसके सम्मेलनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो जीके वाला पोर्शन है आप सबको तैयार करवाऊं, तो आप मेरे नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट्स दें ताकि आगे मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। विद्यार्थियों धन्यवाद।